बलिहारी गांव में रहते हैं ये तीन दोस्त। ये पहले 3 साल एक ही क्लास में पढ़ने के बाद इन्होंने सोचा कि इन्हें कुछ अलग करना चाहिए। यही सोच लेकर ये तीनों अपने घर से पैसा लेकर बाहर के देश में जाकर कमाता है और 5 साल बाद देखिए ये कुछ पैसा लेके घर वापस आता है। अरे यार देखो हमारा गाँव 5 साल में कितना चेंज हो गया। हाँ यार तुमने ठीक बोला, पहला हमारा गांव कैसा था, कितना चेंज हो गया यार। हाँ यार देख के मजा आ गया। नहीं नहीं इस बार इतना मजा करेंगे सब याद रखे। अरे यार देखो हम जो 5 साल गए कमाने, हम तीनों को गांव वाला कितना निकम्मा सोचता था, सब बोलता था अपना माँ बाप का पैसा इधर उधर वेस्ट कर रहा है। आज देखो हम लोग कमा के आए हैं। सबसे पहले मेरा सपना है अपने माँ बाप को खुश करना, उनके लिए एक अच्छा घर बनाना, और अब तो सपना का बाप खुद मेरे से मेरा सपना का हाथ लेके आएगा मेरे हाथ में देने। पहले तो वही उसी के कारण से मुझे गांव छोड़ना पड़ा यार। गांव वाले हम लोग को कितना दुख दर्द तकलीफ देता था, कितना ताना करता था, लेकिन इस बार हम लोग कमा के आए हैं, पैसा लेकर आए हैं। मैं अपने माँ बाप का सपना पूरा करूँगा यार। कितना मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कितना कुछ नहीं किया, कुछ सब कुछ किया मेरे लिए, मेरी पढ़ाई लिखाई, लेकिन फिर भी गांव वाले कितना हम लोग को क्या क्या कहता था। हम लोग पैसा नहीं कमाते थे, इसलिए ना अब पैसा कमा कर आया हूँ। इस बार माँ को और गांव वालों को दिखाऊंगा मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तब यार एक दिन हम लोग को कुछ नहीं थे तो गांव वाला मिलकर साला कितना तड़पाए थे हम लोग को, आज हम लोग मिलकर गांव वाला को साला तड़पाए। अरे यार गांव वाला तो वैसा ही है, चलो खुशी का माहौल है, हम लोग चलते हैं घर। अब हमारे माँ बाप कितना खुश होंगे हम लोग के लिए। जिंदगी का असली मजा तो पेशाब करने में है। हाँ चलो पेशाब करते हैं। हाँ हाँ चलो। मेरे पास 5 लाख हैं, उन दोनों के मिला के 10 लाख, तो टोटल 15 लाख हो जाता है। अगर ये 15 लाख मेरा हो गया तो जिंदगी भर पूरा मजा होगा। यार अभी यहाँ पे कोई है भी नहीं और हमारा सब पैसा मिला के होता है 15 से 17 लाख। अगर ये दोनों का कुछ किया जाए और सारा पैसा मेरा हो गया तब तो ज़िंदगी पूरा खुशी में बीत जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, तो लगता है कुछ सोचना पड़ेगा। तो पैसा हो गया है, घर जाकर अब माला और सुष्मिता को दोनों के ही पटाएंगे, अब दोनों ही मेरी है। अरे यार इतना दूर से चल के आ रहे हैं, भूख लग गया है ना। हाँ यार ठीक बोला तूने, भूख लग गया, सच में भूख लग गया है। हाँ यार चलो उधर बैठते हैं। अरे विशाल तुम जाओ तो खाना लेके आना, हम लोग जाते हैं उधर बैठते हैं। जाओ 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 ठीक है, जाओ ठीक। कुछ अच्छा खाना लेके आना ठीक, ठीक है ठीक है ठीक है चलो वहाँ बैठते हैं।
देखिए मित्रों, इसलिए बोला जाता है छल, कपट, ईर्ष्या और दूसरे पे लोभ करना, ये सब आपके विपरीत चले जाता है। देखिए, इन तीनों ने एक दूसरे का संपत्ति का लोभ किया और तीनों का जिंदगी नरक में चला गया और तीनों मर गए लास्ट में। ना संपत्ति उनका रहा और कोई और वो संपत्ति लेके चला गया। तो इसलिए कहा जाता है कि दूसरा के प्रति कभी कुविचार नहीं रखना चाहिए, हमेशा एक दूसरे को मदद करना चाहिए। और अगर आप दूसरे को मदद कीजिएगा, दूसरा के साथ साथ आपका भी भला होता है उसमें। इसीलिए इस शॉर्ट मूवी से यही शिक्षा मिलता है कि हमेशा दूसरा को साथ दीजिए, दूसरा पे कभी लोभ मत कीजिए। लोभ करने वाला ना वो खुशी रह पाएगा और ना आप रह पाइएगा। और हमारा यही शिक्षा था। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोज़ को।